आज की तारीख में हमें राजस्व सेवा परिषद के आह्वान के तहत 20 और 21 तारीख को हम धरने पर बैठे हैं। राजस्व कर्मचारी का राजस्व विभाग का प्रत्येक कर्मचारी जिसमें पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार सब शामिल है और धरने पर बैठे, वो भी गवर्नमेंट के किए हुए समझौते के उसको लागू करवाने के लिए। एक ही क्वेश्चन है गवर्नमेंट से, या तो आप समझौता करो मत, जब कर लिया उसको तो इम्प्लीमेंट तो उसको करो। गवर्नमेंट के हम नुमाइंदे, राजस्व के नुमाइंदे हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट के इतने ही कर्मचारी है, सब यहाँ धरने पे बैठ गए, तहसील लग गया ताड़ा। तो कम से कम जो समझौता आपने खुद ने स्वयं विवेक से यदि किया है तो कृपया करके उसको लागू करें। और आपकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि हम कैंप करवाए, तो वो सारा का सारा कैंप केवल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। और हम लोग यदि उसका बहिष्कार करेंगे तो वो आपका बहुत बड़ा जो प्रोग्राम वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कृपया करके निवेदन आपसे ये है, बहुत प्यार से यही निवेदन है कि आप जो समझौता आपने किया है तो उसको लागू करें, आपकी बहुत मेहरबानी, वरना हम इसको और आगे तक ले जाएंगे, वो हमारे लिए नुकसानदायक, उससे बड़ा आपके लिए भी नुकसानदायक हो जाएगा। हड़ताल पे अभी हमने ज्ञापन दिया था सरकार को कि जो हमारे समझौते हुए हैं उन मांगों को पूरी की जाए, लेकिन ज्ञापन और वह सांकेतिक संकेत देने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक मांगों पर ध्यान नहीं दिए, इसलिए आज हम धरने पर हैं। नहीं, हमारा ये धरना प्रदर्शन आज, कल और लगातार ही रहेगा। हमारी प्रमुख मांगों में ये पूरे राजस्थान सेवा परिषद का हमारा वो धरना प्रदर्शन है, उसमें हमारी मांगें हैं, एक तो जो नायब तहसीलदार के पद हैं वो संपूर्ण रूप से पदोन्नति से भरे जाएं, और जो तहसीलदार सेवा में लिए जाते हैं उनको डायरेक्ट तहसीलदार पद पर नियुक्ति की जाए, और हमारे पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, इनके पदों का गठन और वेतन विसंगतियाँ जो हैं इनकी वो पूरी की जाएं, और पटवारियों की जो मुख्य मांग है हमारी ग्रेड पे की वो पूरी की जाए। सरकार का अभी तक उस पर कोई भी ध्यान नहीं है। आगे की रणनीति, अभी तो प्रदेश स्तर का हमारे पास राजस्व सेवा परिषद का ये है कि जो प्रशासन गाँवों की संघ अभियान सरकार ला रही है उसको हमें काम कार्य बहिष्कार, संपूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे, और इसमें पूरे राजस्व सेवा परिषद, पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार समस्त हैं। और हमारा विभाग है ऐसा, एक राजस्व सेवा परिषद एक ऐसा विभाग है जिसमें खुद के काम के नहीं अन्य विभागों को भी हमारे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। हम जब भी जाते हैं कैंपों में तो जो जितनी कैंपों के अंदर भीड़ एकत्रित होती है या लोग जो काम करवाने आते हैं तो वो सब राजस्व सेवा परिषद की देन है कि राजस्व के कामों के लिए लोग आते हैं। अब जब भी वहाँ सरकार अभियान तो चलाएगी, टेंट लगाएगी, इतने बड़ा शोर से प्रचार कर रही है, अब जब राजस्व सेवा परिषद के तरफ से कार्य बहिष्कार रहेगा तो सरकार को ये भी पता चल जाएगा कि उन टेंटों के अंदर सिर्फ कुर्सियाँ खाली रहेंगी और जो उनके अन्य विभाग के लोग हैं सिर्फ वो बैठे रहेंगे, आम जनता वहाँ मिलने वाली उनको नहीं है।